सबसे पहले आप तक पहुंचाते चले। देखिए बांग्लादेश से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चिटगांव के इस्कॉन मंदिर में भी तोड़फोड़ की जानकारी है। ग्रामीण इलाकों में मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। इस्कॉन मंदिर में 50 से 60 लोग मौजूद थे, तो देखिए किस तरह से वहां पर अब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हिंदुओं को बचाएगा कौन। चिटगांव के इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की जानकारी है, तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि वहां पर हालात किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। आगजनी, लूट, हिंसा। पीएम आवास की आपने तस्वीर देखी, जो प्रदर्शनकारी वहां पर दाखिल होते हैं, जश्न बनाते नजर आते हैं, पार्टी करते नजर आते हैं, और जो भी उनके हाथ लगता है वो उसे उठाकर ले जाते हैं। फिलहाल देखिए ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में 50 से 60 लोग मौजूद और वहां पर भी तोड़फोड़ की गई है। तो जो भी दिख रहा है उसे निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भीड़ चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। और इसी बीच बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर, चिटगांव के इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की खबर है। देखिए जानकारी सामने आ रही, बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें अभी सामने आई थी। दंगाइयों ने तोड़फोड़ करने के बाद इस मंदिर को आग के हवाले कर दिया। तो देखिए इस वक्त स्थिति किस तरह से वहां पर बेकाबू हो रही है, और देखिए किस तरह से हिंदुओं की परेशानी वहां पर बढ़ रही है। आगजनी, लूटपाट, और ये तस्वीरें अब बांग्लादेश से आम हो गई है। लगातार ऐसी तस्वीरें वहां से निकल कर सामने आ रही है।